हिंदुस्तान में सबसे फेमस और पसंदीदा स्ट्रीट फूड की जब बात की जाएगी तो पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक का नाम सबसे ऊपर आएगा। छोटी छोटी तंग गलियों में बसे कुछ बेहतरीन जायकों की तलाश में हम आपको लेके आए हैं यहाँ के ऐसे 5 लेजेंडरी प्लेसेस में जो कि आपको यहाँ पे आके मिस नहीं करनी चाहिए। और हाँ, अगर इन केस मैंने कोई आपकी पसंदीदा जगह मिस करी हो तो उसे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आपके मुंह के जायके को इस वीडियो के द्वारा और भी बढ़ाते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप ये देख सकते हैं कि फ्रेश जो देसी घी है ना उसको कॉन्टिन्यूसली यहाँ कढ़ाई में रिफिल करते रहते हैं और ताज़े ताज़े देसी घी के अंदर आपको जो पराठे हैं ना उनको सेक के दिया जाता है। बड़े लोगों की शिकायत रहती है, बड़े लोगों की ये कन्फ्यूजन रहती है कि यहाँ पे जो पराठे मिलते हैं शायद वो रिफाइंड के ना हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो देसी घी है ना उसका इस्तेमाल ही किया जाता है यहाँ पे पराठे को सेकने के लिए। और आज से नहीं, 6th जनरेशन है यहाँ पे पराठे बेचने की और 6th जनरेशन देसी घी के अंदर ही पराठे जो है वो तैयार करके देती है। इतने सारे वैरायटीज के पराठे ना आपको सिर्फ यहाँ पराठे वाली गली में ही मिलेंगे। ये मूली का, ये ड्राई फ्रूट का, काजू का, मेवा बादाम है, पापड़, दाल, मटर, गोभी, मिक्स, आलू, ये मसाले, ये ग्रीन चिली मिर्ची का है, नींबू, पुदीना, हिंग जीरा, टमाटर का, ये करेला का, ये भिंडी का, ये खोए का, भी है, ये खुरचन का, यहाँ पे जो पराठे है ना उनको सर्व किया जाता है 3 तरीके की सब्जी के साथ। ये आप देखेंगे यहाँ पे है जी, ये पेठे की सब्जी, यहाँ पे आप ये देखेंगे ये है जी आलू मेथी की सब्जी, बढ़िया सूखी आलू मेथी की सब्जी यहाँ पे रहती है, और यहाँ पे ये है जी तरे वाले आलू। आप देखिए कितने चटपटे और कितने लाजवाब यहाँ पे ये तरी वाले आलू मटर की जो सब्जी है ना वो है। 3 सब्जी के साथ आपको पराठे यहाँ पे सर्व किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको सर्व की जाती है बहुत ही फेमस ड्राई फ्रूट और केले की ये मीठी वाली चटनी या मीठी वाली सॉल्ट जिसको आप कह सकते हैं। ये देखो भाई कितनी ज्यादा लाजवाब लग रही है। और उसके बाद यहाँ पे ये है धनिए और पुदीने की चटनी। तो 5 डिफरेंट कॉन्डिमेंट के साथ आपको यहाँ पे जो पराठे है ना वो सर्व किए जाते हैं। तो जी मैंने यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी वराइटीज के पराठे हैं, लेकिन मैंने लगवाया है पापड़ का पराठा, क्योंकि अक्सर जो पापड़ है ना वो हम खाते हैं या रोटी के साथ या चावल के साथ या खिचड़ी के साथ, लेकिन इन्होंने जो पापड़ है उसको पराठे के अंदर ही फिल करके दे दिया। ये देखो भाई क्लोजअप आके देखो कितना बढ़िया यहाँ पे पापड़ एकदम मसालेदार ये पराठा लग रहा है। और आपने देखा 3 अलग अलग सब्जी साथ में 2 तरीके के अचार साथ में 2 तरीके की चटनी के साथ इसको सर्व किया गया। तो पेठे की सब्जी और साथ में आलू मेथी और चटनी के साथ हम इस पर बाइट लेने वाले। देखिए दिल्ली के लोग तो यहाँ आते ही हैं, इंडिया के लोग भी यहाँ आते हैं, लेकिन मेरे पीछे भी आपने देख लिया कि विदेश से भी यहाँ पे लोग आते हैं इनका पराठा खाने के लिए। तो भाई सबसे पहली जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है इनके यहाँ का पराठा। तो जब भी आप आए ना चांदनी चौक में सबसे पहला डेस्टिनेशन आपकी होनी चाहिए पराठे वाली गली में इनके यहाँ का पराठा। और बताइएगा जाके जरा कमेंट में कैसी लगी रिकमेंडेशन। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरी जगह पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सी ऐसी दूसरी जगह है जो कि आपको चांदनी चौक में आके जरूर ट्राई करनी चाहिए। भाई वैसे ना चांदनी चौक में बहुत सारी जगह है खाने की, लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। अभी चल रहा है सर्दी का सीजन और सर्दी में एक चीज जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए ना वो है जी ये दौलत की चाट। आपको मिलती है सिर्फ सर्दी में, कितना टाइम मिलती है? ये दिवाली से मिलेगी होली तक। होली तक, तो होली तक आपको ये मिलेगी दौलत की चाट। और ये किस तरीके से तैयार होती है जरा ये बताओ। ये जैसे मक्खन बनाते हैं ना गाँव में, सेम वैसे ही दूध को मथा जाता है 7 से 8 घंटे लगातार मथते हैं, मतलब चंद करते हैं झाग बनते हैं, दूध का झाग होता है 7 से 8 घंटे लगते हैं पूरा बनाने में। ये देखिए जी यहाँ पे लगने जा रही है दौलत की चाट की प्लेट। और आप देखेंगे सबसे पहले बाउल के अंदर यहाँ पे ये जो फोम है ना ये मलाई होती है दरअसल, और इसको आपने देखा किस तरीके से भैया ने बताया अच्छे से फैट के तैयार किया जाता है। इतनी ज्यादा सॉफ्ट, इतनी ज्यादा फ्लफी, इतनी ज्यादा एरी होती है ना कि भाई जिसने इसका स्वाद नहीं किया उसने कुछ नहीं खाया। करारा डाल रहे हैं मीठा करने के लिए। अच्छा ये करारा आ रहा है ऊपर से मीठा करने के लिए। ये दूध का खुरचन पड़ा होता है, दूध का खुरचन, वाह क्या बात है। सेम चीज है केसर से बना हुआ है। अच्छा एक बना होता है केसर से जो ऊपर से डालते हैं और नीचे आप डालते हैं नॉर्मल जो फोम रहते हैं। देखिए जी आपको ना बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं लगेगा कि आपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। रुई की तरह सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा एरी होती है, बहुत ज्यादा फोमी होती है और उतनी ही ज्यादा स्वाद होती है। सिर्फ सर्दियों में मिलती है आपको ये दौलत की चाट। और आपको ये खा के बता दो कि क्यों ये इतनी लाजवाब है। देखिए क्या बात है, क्या बात है, ये चांदनी चौक है, बाबा के लिए कुछ चाहिए। बाबा के लिए कुछ चाहिए।
मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको बस मुंह में रखना है, बाकी सारा का सारा काम ये करेगी। मुंह में रखिए, कब कहाँ कैसे घुल जाएगी ना, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और भैया, अगर किसी ने अभी तक दौलत की चाट नहीं खाई है ना, एक बार जब भी चांदनी चौक आए सर्दियों में, जगह जगह पर वैसे आपको दौलत की चाट मिल जाती है, लेकिन अगर आपको ये वाली ट्राई करनी है तो पराठे वाली गली में खेमचंद दौलत की चाट खाइएगा, और कमेंट्स में जाके बताइएगा कैसी लगी ये रिकमेंडेशन। बेस्ट दो चीज़ें जो चांदनी चौक में आगे ट्राई करनी चाहिए हो चुकी हैं। अब चलते हैं तीसरी बेस्ट डेस्टिनेशन पे और आपको दिखाते हैं उसका जायका। इसी जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है जी यहाँ पे ये चाट की दुकान। आप देखेंगे छोटी सी एक ये दुकान है, लेकिन इनकी जो चाट है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे की है। अगर कितने बाय कितने की दुकान है पहले ये बताओ। 2x4 की दुकान है, सिर्फ 2x4 की दुकान है। और आप देखेंगे कितना बढ़िया तरीके से दुकान का जो सेटअप है ना, वो उन्होंने यहाँ पे बिठा के रखा है। तो क्या क्या मिलता है जी अपनी दुकान पे? बल्ला, तो सिर्फ 3 आइटम मिलती है। और कहते हैं कि इनकी जो चाट है ना वो बहुत अमेजिंग। और अगर आप भी चाट के शौकीन है तो इनके पास आके इनकी जो चाट है ना उसका जायका जरूर लीजिएगा। तो ये बताइए कितनी पुरानी दुकान हुई, कैसे शुरुआत हुई, किसने शुरुआत करी? हमारे पापा ने करी थी। अच्छा, आपके पापा ने शुरुआत करी थी। और कितनी पुरानी दुकान हो गई जी? मेरे को 24 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ बैठे बैठे 24 साल हो गए। और कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं आप? 1 बजे से 9 बजे तक। और इसमें 8 पीस पापड़ी के डाले जाते हैं। ऊपर से आ गए जी आलू, साथ में आ गए जी इसमें छोले, ऊपर से आ गए इसमें ये छोले, साथ में इसमें आएंगे मसाले, ये आ गए जी इसमें जीरा पाउडर, ये आ गए जी इसमें नमक, और ये आ गए जी ऊपर से ये पीली मिर्ची। तो मिर्ची आप स्वाद अनुसार अपने एडजस्ट करवा सकते हैं। ऊपर से आ गए जी ये दही, और साथ में आ गए जी ये मीठी वाली सॉल्ट, ये आ गए जी ऊपर से धनिया पुदीने की सॉल्ट। ये कितने की प्लेट है जी? ये 50 रुपये की प्लेट है जी पापड़ी की। खा के बताता हूँ कैसा है जी इनका ये दही बल्ले, और क्यों लोग मतलब इतने दीवाने हैं चांदनी चौक में आके इनके दही बल्ले के। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि इनकी सॉल्ट का जवाब नहीं है। दिखने में जब इतनी लाजवाब लग रही हो, खाने में वाकई लाजवाब है। मसाले बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, और जो हरी वाली चटनी है ना उसका जो एक तीखापन लग रहा है ना भाई, वो इस चाट को परफेक्ट बैलेंस कर रहा है। अगर आप भी शौकीन है ना दही भल्ले खाने के, या फिर भल्ले पापड़ी खाने के, या फिर मैं कहूँ कांजी वड़ा खाने के, तो इनके पास आइएगा, इनसे ज़रूर ये चाट खाइएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी। एड्रेस एक बार इनसे पूछ लेते हैं, अगर किसी को यहाँ पहुँचना हो तो पूरा एड्रेस बता दीजिए ज़रा। 1426 गली संज्ञान, नियर गांधी आश्रम, अपोजिट घंटे वाली गली के सामने। अपोजिट घंटे वाली गली के सामने बिल्कुल इनकी दुकान है। और यहाँ मटके वाली दुकान आप किसे बोलेंगे ना, चाट वाली कहाँ पे है? चाय वाले ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा, ऊपर चाय वाले हैं देखिए, और नीचे इनकी चाट है। तो भैया मतलब आप किसे पूछ भी लेंगे कि मटके वाली चाट कहाँ है, तो हर कोई आपको इनके पास गाइड कर देगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है चांदनी चौक में मेरे और आपके लिए जायके की तलाश में। पुरानी दिल्ली में खिलाने के लिए ये जापानी समोसा। और अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि जापानी समोसा होता क्या है, तो ये होता है जी बहुत खस्ता, बहुत कुरकुरा और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। मात्र 15 रुपए में आपने इससे ज्यादा टेस्टी समोसा आज तक नहीं खाया होगा। 60 से भी ज्यादा परतों वाला ये समोसा खा के ना आपको भी इसकी लत लग जाएगी। इसके अलावा मनोहर ढाबा पे आपको मिलते हैं ये बढ़िया देसी घी वाले भटूरे छोले, और साथ में कहते हैं इनका अगर ये कैप्सूल वाला गुलाब जामुन आपने नहीं खाया ना, तो फिर आपकी ओल्ड दिल्ली की ट्रिप जो है वो इनकम्प्लीट है। जापानी समोसा, हमारे दादाजी ने जापानी समोसा शुरू किया था, तो जब से कंटिन्यू है। इसको जापानी समोसा जापान से आए? नहीं, ये समोसा जापान से नहीं आया, ये प्रॉपर लाहौर से आया समोसा। तो इसके अंदर देखिए 60 लेयर्स होती हैं, इतनी बारीक, हाँ जी इतनी बारीक बारीक लेयर्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर थोड़ा सा आलू और थोड़े से मसाले स्टफ होते हैं। और ये 1924 से लेके 47 तक लाहौर में रहे, फिर पार्टीशन के बाद इंडिया आए जब हमारे बुजुर्ग, तो उन्होंने मेरे फादर ने मेरे ताऊ जी ने पंजाब में, मैंने सतपुरा खाया, यहाँ पे आके मैंने ये जापानी समोसा देखा। पहले मुझे लगा कि बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन मुझे अंकल ने बताया कि जो सतपुड़ा है वो 7 लेयर से तैयार होता है, और ये जो जापानी समोसा ये 60 लेयर से 60। और आप ज़रा लेयर्स देखिए, कितनी सारी लेयर्स हैं यहाँ पे इन समोसों के अंदर। बहुत बारीकी से इसको तैयार किया जाता है, एकदम पतला इसका जो टेक्स्चर है वो इसका टेक्स्चर है। ये देखिए बिल्कुल पतला पापड़ी की तरह इसका टेक्स्चर है। बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर कोई इसका स्वाद ले सकता है। और इसको खाया जाता है ये पिंडी चने के साथ, मैं भी खा के बताता हूँ। वाह, मतलब अगर आपने समोसा खाया है ना, इसको खाने के बाद आप दुनिया भर के सारे समोसों का स्वाद भूल जाएंगे। इतना ज्यादा लाजवाब और टेस्टी इनका ये जापानी समोसा है।
इसको सर्व किया जाता है ये मलाईदार मखमली सॉफ्ट चनों के साथ, जो आपके मुंह में गलते ही ना कहाँ कब कैसे घुल जाते हैं आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। गाइज अगर आप कुछ अलग खाना चाहते हैं, समोसा खाने के शौकीन है ना, तो एक बार लाला लाजपत राय मार्केट में आके मनोहर ढाबा पे आके इनका ये जापानी समोसा खाइए। अगर आप फैन नहीं हो गए ना तो आप मुझे बताइएगा, ज़रूर आइएगा, खाइएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रिकमेंडेशन। हम पहुंच चुके हैं जी अपना फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि है मेरे पीछे आप देख रहे हैं ज्ञानीज दी हट्टी। भाई 1956 से ये बेच रही है सबसे बेहतरीन रबड़ी फलूदा और हलवा, और कहते हैं यहाँ पे आके जिसने रबड़ी फलूदा नहीं खाया ना तो उसकी जो चांदनी चौक की ट्रिप है ना वो इनकम्प्लीट है। चलिए हम भी अपनी मिठास की जो भूख है ना उसको फिनिश करते हैं ज्ञानीज दी हट्टी का ये बढ़िया रबड़ी फलूदा खा के, और आपको बताते हैं कैसा है उसका स्वाद। आइए तो देखिए जी आप कैसे कॉन्टिन्यूसली कांच की गिलास में पहले सबसे पहले जो फलूदा है उसको यहाँ पे ये भर लेते हैं, और फलूदा को भरने के बाद एक एक करके जो ग्लास है ना उसको यहाँ पे सेट किया जाता है। देखिए कैसे ग्लास दर ग्लास यहाँ पे फलूदा के जो है ये सेट करते रहते हैं। कांच के गिलास में फलूदा कुल्फी मिलती है, जैसे 1956 में ज्ञानी के यहाँ पे जो है वो फलूदा कुल्फी मिलनी और बिकनी शुरू हुई थी। कैसे बढ़िया तरीके से देखिए फलूदा ग्लासों में ना लगातार ये भरते रहते हैं। अब ये देखिए फलूदा डालने के बाद एक एक ग्लास को यहाँ से लिया जाएगा और उसके ऊपर डाली जाएगी जी ये बढ़िया ड्राई फ्रूट वाली रबड़ी, जैसे कि इन्होंने आपको बताया इसमें बादाम है, काजू है, पिस्ता है, और बहुत ही बढ़िया ये रबड़ी है। देखिए भाई लोडेड रहती है यहाँ पे रबड़ी जो रहती है, लोडेड रहता है ये गिलास, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर एक गिलास आपने ये गर्मी में पी लिया ना तो भाई साहब आपको तृप्ति हो जाएगी, सुपर रिफ्रेश आप जो है ना वो फील करने वाले हैं इसको पीने के बाद। तो आपने देखा फलूदा है, रबड़ी है, ऊपर से ये डाली गई आइस, और अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है ताकि रबड़ी फलूदा आइस अच्छे से मिक्स हो जाए और आप इस गिलास को पी के एकदम ठंडा ठंडा रिफ्रेश फील करें। अभी हो गया 100 रुपये का गिलास, जब मैं आता था तो मैंने आपको बताया 30 रुपये का गिलास मिलता था। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, इसकी दीवानगी रुकने वाली नहीं है भाई। आप कभी भी आए ना, जब भी चांदनी चौक में आप जब खाना वाना खा लें, जब शॉपिंग वॉपिंग कर लें, जब आपको रिफ्रेश फील करना हो ना, कहीं मत जाइएगा, ज्ञानीज के पास आइएगा, इनका ये बढ़िया रबड़ी फलूदा खाइएगा और कमेंट्स में बताइए जाइएगा जरूर कि आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी। भाई साहब जरा इस पराठ का साइज चेकआउट करो, 100 किलो से ऊपर है ये मूंग दाल का देसी घी वाला ज्ञानी दी हट्टी का सबसे स्पेशल हलवा। आप देखिए ड्राई फ्रूट को कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सजाया गया है, और कैसे जो हलवा है ना धीमी धीमी आंच पे पकता चला जा रहा है। उसके अलावा मूंग दाल के हलवे के साथ इनका है गाजर का हलवा। भाई अब जरा आप मुझे कमेंट्स में जाके बताना कि आपका फेवरेट हलवा कौन सा है, मूंग दाल का या फिर ये गाजर का।